ये अभी मौसी दी रात को चिप्स काट रही है और फिर कल सुबह इसको बॉईल किया जाएगा। ये देखिए गांव में तो यही मजा है। टाइम कितना हो रहा मौसी? पानी में डाल दीजिए ताकि वो काला। उधर मेरी वानी खेल रही है। वानी वानी हो दोपहरिया के ना नहीं खाते थे वो लोग दाल सब्जी पानी खाद प्याज लेते मिर्चा पकाते हुए। देखिए मौसी क्या की हो तुम्हें क्या बनाई हो भाई? तन परों की बनवाते थे ना ये सत्तू भरने के लिए कटोरा है कटोरा बना है और अभी इसमें जाएगा सत्तू उसमें सत्तू भरा जाएगा और फिर लिट्टी तैयार होगा वो भी दिखाया जाएगा। स्टार्ट होगा अब स्टार्ट हुआ लो ये देखिए लिट्टी बोरसी पे सिका रहा है। इधर बुआ मेरी सेक रही है लिट्टी। और इधर मेरा भाई आ गया बर्थडे पार्टी से ना बाबू और मेरी बहन भी आ गई बर्थडे पार्टी से। इधर मौसी भी आ गई तगाड़ी लेके क्योंकि इसमें लिट्टी ना पूरा नहीं आ रहा है तो तगाड़ी में डालकर और उसमें सेका जाएगा। और इधर मम्मी और भी बना रही है। ये मेरी बेटी भी अभी घूम के आ गई। अरे मम्मी कुछ नहीं था मानो पता है खाली तू खा ले तू आज डेढ़ को खाई थी। अच्छा बहुत खा के आई हो तुम जान गए आज इस कोयले पे बनेगा लिट्टी बिहार का फेमस लिट्टी चोखा बाटी चोखा। ये देखिए लिट्टी का राज बिहार के लिट्टी का राज बताइए क्या राज है क्या राज है बताओ यहाँ पे सब लोग बहुत खाता है तो बताओ रेसिपी बताओ इसमें क्या क्या डाल के बना दी हो। इसमें प्याज है अदरक है मिर्ची है नींबू है धनिया पत्ती है और फिर के मसाला है और क्या है चने प्योर चने का सत्तू है घर का पिसा हुआ बिहार का फेमस डिश लोहिया। और ये मैंने थोड़ा सा आलू रखा हुआ है मेरी नानी नहीं खाती है इसलिए अच्छा के लिए आलू का लिट्टी बनाऊंगी। ये इंसान है जो नहीं खाती है इसलिए इसके लिए बनेगा ये इंसान है। अच्छा नहीं नहीं सॉरी ये नहीं खाती है ये दिल्ली वाली सब खाती है। ओके गाइस गुड नाइट और अगर आज का मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर।